नमस्ते फ्रेंड्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेस्टी एंड डिलीशियस कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जो सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं आलू के पराठे। पर लिए हैं मैंने 8 से 9 आलू। इन्हें हम कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। पानी डालकर कुकर को गैस पर रख देंगे और 5 से 6 सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। आलू उबल रहे हैं तब तक डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बाउल आटा लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर अच्छे से डो तैयार करेंगे। Deep within, here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moment. अब हमारा डो तैयार हो चुका है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। पर हमारे आलू उबल चुके हैं। अब इनको थोड़ा ठंडा करेंगे और फिर छीलेंगे। पर हमने सारे आलूओं को छील लिया है। अब मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है गरम मसाला, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी और स्वाद अनुसार नमक। 1.5 चम्मच डालेंगे सौंफ। 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हम कसूरी मेथी डालेंगे। इससे पराठे का बहुत ही अमेजिंग स्वाद आता है। एक बार आप ज़रूर डालकर देखें, मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाएं। सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिलने तक मिलाएंगे। Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just ये हमारी पराठे की फिलिंग हो गई है तैयार। अब हमारे डो को हो गए हैं 15 से 20 मिनट। अब इसे हम तैयार करेंगे पराठे के लिए। अच्छे से मसल मसल कर तैयार करेंगे रोटी की डो की तरह। हमारा डो हो गया है अब तैयार। यहाँ पर हमने आटा लिया है पराठों में लगाने के लिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा डो लेंगे और एक लोई बनाकर तैयार करेंगे।
लोई बन चुकी है और अब इसे हम थोड़ा सा बेलेंगे। मैं अब हम स्टफिंग भरेंगे। अब इसे हम ऐसे उठाएंगे और एक एक प्लेटें बनाते हुए इसकी एक लोई तैयार करेंगे। इसे अच्छे से दबाएंगे ताकि इसके अंदर कोई हवा ना रहे। अब इसका गोल बेलते हुए एक पराठा तैयार करेंगे। तवे पर अब इसको सिकने के लिए रखेंगे। अब इसको पलटेंगे और ये देखो ऐसा सिक चुका है। अब इस पर ऑयल लगाएंगे। पलटेंगे और दूसरी साइड ऑयल लगाएंगे। अब अच्छे से पलट पलट कर सीखेंगे इसको। और ये देखिए अब हो गया है ये बनकर तैयार और इसको हम निकाल लेंगे। बचे हुए डोसे सारे पराठे बनाकर तैयार करेंगे। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless. Reaching for our moments miles above. I just need one. इसे भी अच्छे से ऑयल लगाकर सेकेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। और एक बार इस तरीके से जरूर बनाइए फ्रेंड्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।